पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर के बीच एक बड़े मुस्लिम देश ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई है। जी हाँ, ईरान ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान से आतंकी संगठनों पर काबू करने के लिए कहा है। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा है कि पाकिस्तान साझा सीमा की रक्षा करे और आतंकवादी समूहों को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोके। ईरान की ओर से ये टिप्पणी ईरानी प्रांत सिस्तान में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद आई है, जिसमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। वाहिदी ने कहा कि ये आतंकवादी पड़ोसी देश पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से ईरानी पुलिस स्टेशन पर हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस घटना के बाद से ईरान बेहद गुस्से में है। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने सिस्तान बलूचिस्तान में उस पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाके का दौरा किया जहां हमला हुआ था। जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद वाहिदी ने पाकिस्तान पर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा, लगातार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब हमारी जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान के रास्ते पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसियों को अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार को पूरे देश में देखना चाहिए कि आतंकवादी समूह वहां ठिकाना स्थापित न करें, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। ईरान में 15 दिसंबर के हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। ईरानी सुरक्षा बलों पर हाल के सालों में ये सबसे गंभीर हमला है। ईरानी गृह मंत्री के अलावा विदेश नीति समिति के सदस्य फिदा हुसैन मालिकी भी कह चुके हैं कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस घटना के लिए हम पाकिस्तान को एक अपराधी की तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर ही इस तरह के संगठन पनाह पा रहे हैं। ईरान का सख्त रुख पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का सामना कर रहा है। भारत के साथ उसकी तनातनी जग जाहिर है, तो हाल के दिनों में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से भी उसकी ठनी हुई है। अब ईरान ने भी उसे कड़ी चेतावनी दे दी है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।